नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. अक्सर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को. द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज. किसी एक सिटी में टैक्सी का फेयर बताया है किस तरह से है. फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज रुपीज 8. कि पहले 1 किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपीज देने हैं. क्लियर? एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज रुपीज 5 पर किलोमीटर. मान लो आपको टोटल 5 किलोमीटर ट्रेवल करना है. क्लियर? तो पहले 1 किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपीज देने हैं. आपने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? 5 किलोमीटर. पहले 1 किलोमीटर के लिए तो 8 रुपीज दिए, बाकी कितने किलोमीटर बचे? 4. और बाकी किलोमीटर्स के लिए सब्सिक्वेंट डिस्टेंस जो और डिस्टेंस कवर किया पर किलोमीटर 5 रुपीज देने हैं. दोबारा से बना रही हूँ, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं टैक्सी के बजाय ऑटो की. सबने कभी ना कभी ऑटो में ट्रेवल किया होगा. तो ऑटो में क्या है कि फर्स्ट 2 किलोमीटर्स के लिए आपको 25 रुपीज देने हैं. फर्स्ट 2 किलोमीटर्स के लिए, चाहे आप 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करो, चाहे आप एग्जैक्ट 2 करो. आप ऑटो में बैठे हो तो 2 किलोमीटर तक जाने के 25 रुपीज पे करने हैं. उसके बाद आप जितने भी किलोमीटर जाना चाहते हो रुपीज 8 पर किलोमीटर है. कि मान लो अगर 5 किलोमीटर आपने डिस्टेंस ट्रेवल करना है, इस केस में भी टोटल आपने 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे जाने, तो 2 किलोमीटर के लिए तो 25 दिए, 5 में से 2 किलोमीटर कम हो गए, कितने किलोमीटर बचे? 3 किलोमीटर. तो 3 किलोमीटर के लिए पर किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपीज है, तो 3 किलोमीटर के लिए कितने हो गए? 3 × 8 = 24. तो आपको टोटल कितना अमाउंट पे करना पड़ा? 49 रुपीज. ये क्लियर? दोबारा से बता रही हूँ, ऑटो में फर्स्ट 2 किलोमीटर के लिए आपको 25 रुपीज देने हैं. आप कितना भी डिस्टेंस कवर करो, 10 किलोमीटर जाओ, 15 किलोमीटर जाओ, 20 किलोमीटर जाओ, लेकिन फर्स्ट 2 किलोमीटर के लिए 25 रुपीज देने हैं. अब अगर मुझे 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, पहले 2 किलोमीटर के लिए तो 25 है, फिक्स अमाउंट है कि पहले 2 किलोमीटर के लिए आपको 25 देने होंगे. उसके बाद टोटल 5 है, तो 2 किलोमीटर के लिए फिक्स है, बाकी कितने किलोमीटर बचे? 3 किलोमीटर. और हर 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपीज देने हैं. तो 3 किलोमीटर के लिए कितना पे करेंगे हम? 3 × 8 = 24. और टोटल 5 किलोमीटर के लिए कितना पे किया? 25 + 24 = 49. ये क्लियर? अब हम चलते हैं टैक्सी की एग्जाम्पल पे. टैक्सी के लिए हमें कहा है कि एक पर्टिकुलर सिटी में जो टैक्सी फेयर है फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो है 8 रुपीज. उसके बाद आप जितने किलोमीटर चलोगे उसके लिए है 5 रुपीज. जितने भी आपको किलोमीटर जाना है उसके लिए है 5 रुपीज. क्लियर? नेक्स्ट, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज एक्स. मान लो मुझे एक्स किलोमीटर जाना है टोटल, ठीक है? और टोटल फेयर कैसे आया था? मैंने दोनों को क्या कर दिया था? ऐड. और टोटल फेयर है 5 रुपीज. कि टोटल मुझे इतना अमाउंट देना पड़ रहा है. नाउ टोटल फेयर कैसे आया था? कि पहला फिक्स प्लस जितने किलोमीटर आगे ट्रेवल किया और जितना उसका पर किलोमीटर चार्ज है. तो ये आ गया था टोटल फेयर, 49 रुपीज देने पड़े. अब इस केस में देखूं तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस तो है एक्स किलोमीटर, एक्स में से 1 किलोमीटर के लिए तो 8 रुपीज है. अब कितना डिस्टेंस बच गया? कितना डिस्टेंस बच गया एक्स में से 1 किलोमीटर? ये हो गया, तो कितना बचा? एक्स माइनस 1. अगर मैं सिंपल एग्जांपल लेती हूँ 5 किलोमीटर, तो 1 ये, तो 5 - 1 = 4. ये यही हुआ. तो यहाँ पे मुझे x गिवन है, तो x में से फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज, बाकी डिस्टेंस बचा x माइनस 1. अगर मुझे लिखा था कि फर्स्ट 2 किलोमीटर के लिए ये अमाउंट है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देती? x माइनस 2. तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज, बाकी डिस्टेंस बचा x में से x माइनस 1. और सब्सिक्वेंट डिस्टेंस के लिए है रुपीज 5 पर किलोमीटर. और टोटल फेयर देना पड़ रहा है 5 रुपीज. ये हमें गिवन है. सो यहां से अब इक्वेशन फाइंड हो जाएगी टू वेरिएबल्स में. सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 4. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज इसको ध्यान से करना है. इसका ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है. सो पहले हमने क्या माना? टोटल डिस्टेंस हमें गिवन है. टोटल डिस्टेंस कवर्ड
इज इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर, टोटल फेयर इज रुपीज वाई, फेयर इज रुपी वाई. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर 8 है 1 किलोमीटर के लिए, क्लियर, और बाकी डिस्टेंस कितना बचा x माइनस 1. तो नेक्स्ट जितने भी आप किलोमीटर जाओगे उसके लिए रुपीज 5 है पर किलोमीटर. तो x माइनस 1 किलोमीटर जाने हैं तो 5 इंटू एक्स माइनस 1, क्लियर. तो टोटल फेयर मुझे कितना देना पड़ रहा है, y रुपी. सो 8 इंटू 1 5 इंटू एक्स माइनस 5, सो 5x 8 माइनस 5 3 वाई. y को भी हम इस तरफ ले आए, जहां हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम y की ही वैल्यू फाइंड करते हैं. तो हम इसे इस फॉर्म में लिख भी देते हैं, एक बार लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया तो ये आ गया हमारा लीनियर इक्वेशन फॉर्म में. एक बार दोबारा से बता रही हूं हमने कैसे किया. हमें कहा है कि हमें टोटल डिस्टेंस कवर करना है x किलोमीटर और टोटल जो फेयर है वो है y रुपीस. अगर मुझे x किलोमीटर जाना है, पहले 1 किलोमीटर के लिए जो फेयर है वो फिक्स है कि आपको 8 रुपीस देने होंगे. तो 8 रुपीस कितने के लिए है, 1 किलोमीटर के लिए. टोटल डिस्टेंस मुझे कवर करना है x, x में से 1 किलोमीटर तो ये कवर हो गया, बाकी कितने बचे x माइनस 1. अब जितने किलोमीटर बचे उसमें पर किलोमीटर मुझे चार्ज देना है 5 रुपी. तो 5 इंटू एक्स माइनस 1, टोटल फेयर दिया है y. सो 8 इंटू 1 5 इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस 5, 5x 8 माइनस 5 इज 3y. इसे हमने लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया टू वेरिएबल्स में. नाउ नेक्स्ट हमें क्या राइट है, लीनियर इक्वेशन लिख दी हमने एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ. ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें y की वैल्यू चाहिए, वो हमारे पास ऑलरेडी है, y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 3. इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू मिलती जाएंगी. ग्राफ के लिए 3 पॉइंट्स हम फाइंड कर लेते हैं. x को मैंने पुट किया 0, जब x को पुट किया 0 y 5 इंटू 0 प्लस 3, x 0 y इज 3, x को पुट किया 1 5 इंटू 1 प्लस 3 8, x को 1 y 8, x मैंने पुट कर दिया माइनस 1 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2, x माइनस 1 y माइनस 2. आप कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हो, मैं बार बार कह रही हूँ, जरूरी नहीं है कि जो पॉइंट मैंने पुट किया आपने वही करने हैं. कोई भी पॉइंट, कोई भी x की वैल्यू पुट करो, कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आपके पास आएगी. x को मैंने पुट किया 0, 5 इंटू 0 इज 0 प्लस 3 3, x को पुट किया 1 5 इंटू 1 प्लस 3 8, x को पुट किया माइनस 1 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2. अब मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है. ग्राफ ड्रॉ करते हैं, x एक्सिस पॉजिटिव, y एक्सिस पॉजिटिव, y एक्सिस नेगेटिव, x एक्सिस नेगेटिव, 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4. पहला पॉइंट है x 0 तो y है 3, सो दिस इज द पॉइंट. साथ साथ में मार्क भी करना है हमें पॉइंट को, लिखना भी है, x 0 y 3, x 1 तो y है 8, तो y को हम और एक्सटेंड कर देते हैं, हमारे पास 8 तक है, 6 7 एंड दिस इज 8. x 1 तो है y 8, x 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग y 8, तो दिस इज द पॉइंट. x इज माइनस 1 माइनस 1, y is minus 2, so this is the point. x minus 1, तो y है minus 2. अब हम इन points को draw करेंगे, मिलाएंगे points को, scale की help से line draw की हमने. So ये हमारे पास आ गया graph, और कौन सी line के लिए है, y is equals to 5x plus 3. तो आप scale की help से मिलाओगे, straight line है, तीनों points में से pass करती हुई होगी, तो ये हमारे पास इसका graph आ गया. क्लियर है इतना क्वेश्चन? दोबारा से एक बार बताऊं, हमें गिवन है कि टैक्सी फेयर इन अ सिटी, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर 8 रुपीस लगते हैं, उसके बाद जितना आप सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कवर करोगे रुपीस 5 लगेंगे पर किलोमीटर पे. अगर आपने टोटल डिस्टेंस x कवर किया और टोटल फेयर आपने दिया रुपीस y, तो इस सिचुएशन को आपको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है. फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीस, टोटल डिस्टेंस था x, तो बाकी कितना डिस्टेंस बचा, 1 किलोमीटर कवर कर लिया, तो x माइनस 1 उसके लिए रुपीज 5 पर किलोमीटर.
टोटल फेयर दिया वाई, इसलिए दोनों को कर दिया एड. सो ए प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू वाई. फाइव एक्स एट माइनस फाइव इज थ्री. फाइव एक्स प्लस थ्री वाई, इसे हमने लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिख दिया. यहां तक नेक्स्ट हमें y की वैल्यू फाइंड हुई थी 5x प्लस 3. यहाँ पे हम x की वैल्यूज पुट करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिलेगी. x को 0, 1, माइनस 1 मैंने पुट किया, y की वैल्यूज मिली. पॉइंट्स को ग्राफ पे लोकेट किया, देन पॉइंट्स को मेंशन भी करना है. उसके बाद स्केल की हेल्प से लाइन लगाई जो कि तीनों पॉइंट्स में से पास होती होगी, और यहाँ पे लाइन भी मेंशन किया कि कौन सी लाइन के लिए ये ग्राफ है.